हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर जिले की सांचौर मंडी में दिन दहाड़े सौंफ से भरी बोरियां चोरी, किसान भड़के और कृषि मंडी में करीब 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। मंडी प्रशासन ने पल्ला झाड़ा और कहा माल की सुरक्षा किसान की खुद की। आखिरकार मंडी प्रशासन और किसानों में चोरी हुए माल की भरपाई के बाद माने धरती पुत्र। जालौर जिले की सांचौर कृषि मंडी में शुक्रवार को दिन दहाड़े एक किसान की सौंफ की फसल की बोरियां चोरी हो गई। इसके बाद जैसे ही किसानों को उसकी जानकारी हुई तो वे भड़क गए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने मंडी प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा तो मंडी प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया और इस बात से किसानों की नाराजगी और भी बढ़ गई। किसान मंडी प्रशासन के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग करने लगे। बाद में मंडी प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता के बाद माल खरीदने वाले व्यापारी से चोरी हुई बोरी की भरपाई का भरोसा दिलाने के बाद मामला शांत हुआ। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार मंडी परिसर में रखी सौंफ से भरी बोरियां चोरी कैसे हो गई? लापरवाही इतनी बड़ी है कि ये चोरी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद नहीं हो पाई। किसान की सौंफ की बोरियां ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरी हुई थी, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली से अज्ञात चोरों ने सौंफ से भरी बोरियों को पार कर दिया। किसानों द्वारा मामले की जांच करवाने और चोरियों की वारदात को रोकने के लिए और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।